नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का जो बिगल है वो बज चुका है। नॉमिनेशंस जो है वो भरने उम्मीदवारों ने शुरू कर दिए हैं। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जो लिस्टें हैं वो जारी कर दी हैं। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दोनों लिस्टें जो हैं वो जारी कर दी हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपनी एक लिस्ट जो है वो होल्ड पर रखी है और डेफिनेटली वो लिस्ट जो है वो आज जारी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की लिस्टें जारी हुई, आपको पता है कि उसके बाद जैसे इस्तीफों की एक झड़ी सी लग गई, पर भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट में भी कुछ ऐसा किया कि जो उम्मीदवार हैं उनसे नाखुश नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तीन जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन पे अभी तक किसी भी जो उम्मीदवार है उनका नाम घोषित नहीं किया है, लेकिन बावजूद इसके उम्मीदवारों को लगने लगा है कि उनका नाम शायद लिस्ट में नहीं है। ऐसी ही एक सीट है महेंद्रगढ़, जिसपे रामविलास शर्मा जी, जो अब तक 5 बार विधायक रह चुके हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, पूर्व हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनके भी जो बागी सुर हैं वो नजर आ रहे हैं। उन्होंने बिना टिकट के ही इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने की घोषणा कर दी है। उस बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं सतीश मेहरा जी, राजनीति के जानकार हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह के समीकरण बन सकते हैं अगर दिग्गज नेता जो है वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद राजेंद्र जी। मेहरा साहब, इस बार जो इलेक्शन है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो एक अलग तरह की रणनीति नजर आ रही है। पहली लिस्ट जैसी आई उसके बाद एक मतलब राजनीतिक गलियारों में अजीब तरह का घमासान शुरू हो गया। लगभग 200-250 लोगों ने इस्तीफे दिए, पार्टी छोड़ी या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की जो है वो बात की। दूसरी लिस्ट जो आई उसमें भी 3 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनके अभी तक उन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, जिसमें महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और सिरसा की बात करते हैं। तो महेंद्रगढ़ की जो सीट है उस पर रामविलास शर्मा जी हैं। तो रामविलास शर्मा हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता हैं। क्या आपको लगता है कि रामविलास शर्मा के बिना भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय विधानसभा चुनाव की जो चुनावी वैतरणी है उसको पार कर पाएगी? देखिए राजेंद्र जी, पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार विधानसभा जो चुनाव है उनमें ऐसा हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो रामविलास शर्मा जी को इग्नोर किया जा रहा है। रामविलास शर्मा एक बहुत ही भारतीय, न केवल ब्राह्मणों के बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत दिग्गज नेता रहे हैं जी। रामविलास शर्मा हरियाणा में 1982 से लेकर और 2019 तक 5 बार विधायक बन चुके हैं जी, और उनका अपनी बिरादरी के साथ साथ और दूसरी बिरादरियों में भी एक नाम है। और सरकार में विभिन्न जो डिपार्टमेंट हैं, महकमे हैं, वो मंत्री रहे हैं, उनका एक बहुत लंबा 50 साल का जो राजनीतिक अनुभव है वो मुझे लगता है बहुत वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी उनको इग्नोर क्यों कर रही है, इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो दो लिस्ट अभी दो आ चुकी है और लगभग 87 नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी जी, बिल्कुल बिल्कुल की जा चुकी है। रामविलास शर्मा की जो महेंद्रगढ़ सीट है उस पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी का नाम अनाउंस नहीं किया है, और रामविलास शर्मा को भी ये लगने लगा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी उनको इग्नोर कर रही है। और इसको देखते हुए रामविलास शर्मा ने आज अपने घर पे ही अपना जो शक्ति प्रदर्शन किया, उस शक्ति प्रदर्शन को देखने से लगता है कि रामविलास शर्मा के पास जो जनशक्ति है मुझे लगता है जी 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 कमी नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो एक बड़ा जनसमूह उनके घर पे इकट्ठा हुआ जब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया। महेंद्रगढ़ की जनता ने उन्होंने मुझे लगता है उनको आशीर्वाद दिया है और उनको एक राय भी दी है इस जो जनशक्ति प्रदर्शन में कि आप चुनाव लड़िए, जैसे तैसे भी चुनाव लड़िए तो महेंद्रगढ़ की जनता आपका साथ देगी। इससे उत्साहित होकर रामविलास शर्मा ने भी अपना जो नामांकन फाइल करने का जो शायद कर दिया है, मुझे लगता है नामांकन फाइल कर दिया है। दूसरी ओर इस जनशक्ति जो प्रदर्शन दिखाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, जो नेता हैं वो भी अलर्ट हो गए हैं।
अब देखने वाली बात है कि वहां की टिकट का क्या रहता है, लेकिन भारतीय रामविलास शर्मा ने तो निर्णय कर लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे लड़ेंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, लीडर हैं, जिनके हाथों में भारतीय जनता पार्टी की आज लीडरशिप है, वो मुझे लगता है रामविलास शर्मा को दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने के इच्छुक नहीं है। वो लालकृष्ण आडवाणी जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की कैटेगरी में रामविलास शर्मा को लाना चाहते हैं, लेकिन रामविलास शर्मा मानने को तैयार। यहाँ यहाँ एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आया है, क्या भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, जब उनको लगता है कि किसी लीडर का जो कद है वो उनसे बड़ा हो रहा है, तो क्या वो उस नेता को इग्नोर कर देते हैं, क्या उस नेता को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं? यही कारण है, आपने ठीक कहा है। अब कुछ नेताओं को लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी में रामविलास शर्मा बहुत ऊंचे कद के नेता और वो कहीं ना कहीं तुम्हारे, हाँ 2014 में ये देखिए, मैं मुझे जहां तक मेरी नॉलेज में है तो 2014 में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे ये। तो कुछ नेताओं को लगने लगा है कि रामविलास शर्मा बहुत ऊंचे कद के हो चुके हैं और उनका उनके पर कतरना जरूरी है, राजनीति में जैसे कहते हैं उनके पर कतरना। जी जी जी। तो इसलिए उनका जो इमेज है, उसकी जो एक व्यक्तित्व, उनको डाउन करना जरूरी है। और यही सोच करके भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, जो केंद्रीय उनकी लीडरशिप है, उनको एक आभास कराया होगा कि रामविलास शर्मा को टिकट देने में भारतीय जनता पार्टी का फायदा नहीं है। तो जैसा आपने बताया, रामविलास शर्मा को इग्नोर करने से भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटजी भी तय कर ली है। वो कैसे की है कि भारतीय जनता पार्टी में रामविलास शर्मा जाने माने चेहरा है, एक एक जो समुदाय है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसका जो डैमेज कंट्रोल है, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 11 ब्राह्मणों को, समुदाय के लोगों को टिकट दी है। जी। क्योंकि पहले 2019 के चुनाव की हम बात करें तो 7 ब्राह्मण को चुनाव में उतारा था। जी जी। तो इस बार जो 11 उम्मीदवारों को जो चुनाव में उतारा है, वो मुझे लगता है इस प्रकार का जो रामविलास शर्मा से और जिले राम शर्मा से उनको डैमेज होगा, उसको कंट्रोल करने की कवायद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने की है। मेरा साहब, हरियाणा की जो राजनीति रही है उसमें जातीय समीकरणों का बड़ा अहम रोल रहा। हरियाणा क्या जनरली ये देखा जाए तो पूरे भारत में ही रहता है ये चुनावों में जातीय समीकरणों का अहम रोल, लेकिन हरियाणा की मैं अगर बात करूं, हरियाणा में जाट और नॉन जाट की जो रणनीति है, इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है उस रणनीति पे काम कर रही है। क्या जो ये नैरेटिव जो सेट कर रहे हैं, वो जो सोशल इंजीनियरिंग जो ये कर रहे हैं, क्या वो बीजेपी को फिट बैठेगी इस बार, लगता है आपको? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार का जो चुनाव है, उस चुनाव में जातीय नैरेटिव सेट करने पर लगी हुई है, और वो जातीय जो नैरेटिव है वो भी होगा जाट और नॉन जाट के बीच में। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो 87 टिकट वितरित की हैं, उनसे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जाटों की बजाय जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी। बिल्कुल, क्योंकि जो ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी के जो 21 लोगों को इस बार चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, जी, जबकि पहली बार जो 2019 का चुनाव था उसमें 19 लोगों को चुनाव मैदान में उतारा था। तो इससे लगता है कि कहीं कहीं ओबीसी पे फोकस है। और दूसरे एससी समुदाय के तो 17 सीट उनकी रिजर्व है, उनको तो देना ही पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, चाहे उसमें, हाँ वो तो रिजर्व है तो रिजर्व भी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, कोई भी हो उनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जाट समुदाय की अगर बात करें तो हम पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 20 जो जाट शहरों को चुनाव मैदान में 2019 में उतारा था, अब की बार केवल 16 जाट उम्मीदवारों को मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। मैं यहाँ आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा, एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। जाट लैंड में भारतीय जनता पार्टी कभी भी सेंध नहीं लगा पाई अब तक, चाहे 10 साल इन्होंने राज भी किया, लेकिन जाट लैंड में कभी भी ये सेंध नहीं लगा पाए, इसके बावजूद इन्होंने सीटें कम कर दी। क्या ये स्ट्रेटजी इनकी, क्या स्ट्रेटजी उसके पीछे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए,
जाटलैंड की अगर बात करें, जींद पर्टिकुलर जिले की बात करते हैं जी, जींद जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जी, और 5ों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी जाट चेहरे को टिकट नहीं दी है। हालांकि जाट बाहुल एरिया है वो, लेकिन जाट कैंडिडेट को टिकट ना देना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ओबीसी या नॉन जाट के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है, और उनको उनका जो ओबीसी का वोट है, जो जो पंडित समुदाय का वोट है, जो वैश्य समुदाय का वोट है, उसको लामबंद करना चाहती है ताकि उनके फेवर में, उनके पक्ष में वो वोट आ सके। मतलब जाट लैंड पे, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं जाट लैंड के, अच्छा उसके साथ उनको वो कुछ और भी उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है, जैसे इनेलो है, इनेलो कहीं ना कहीं एकाधिकार रहा है जाटों का उस पे, उस पार्टी पे लगता है कि वो जाटों की पार्टी है, जजपा जो है, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी ऐसी हो कि आने वाले समय में अलायंस करके जो जाटों को उस पार्टी के थ्रू ये साधने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, वो दोनों जो मजबूत पार्टियां हैं और उनका एक हरियाणा में अच्छा ग्राउंड रहा है, अच्छा आधार रहा है दोनों पार्टियों का, एनएलडी की हम बात करें, जननायक जनता पार्टी की बात करें, और उन्होंने दो ऐसी पार्टियों से भी जो गठबंधन किया है, जननायक जनता पार्टी ने, जो आजाद आम, जो मतलब स्पेशली एससी को फोकस कर रही है, समाज पार्टी से गठबंधन किया है, और बसपा से किया उधर उन्होंने, इनेलो ने बसपा से किया है, बिल्कुल ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के काम आएगी ना काम आएगी ये तो वोटर बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये स्ट्रेटजी रणनीति है कि कहीं कहीं जाट वोट को डाइवर्ट करें और जो एससी समुदाय का वोट है उसको डाइवर्ट करें, इसीलिए जाट जो कैंडिडेट मैदान में उसने भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उतारे हैं, और जो ये वोट डाइवर्ट करने का जो स्ट्रेटजी है ये कहां तक काम आएगी। इस बार इन्होंने मुझे लग रहा है कि ब्राह्मण और जो है मुस्लिम जो कैंडिडेट है उनमें भी बढ़ोतरी की है, उनमें भी कुछ इजाफा किया है। मुस्लिमों की अगर बात करें तो मुस्लिमों दो कैंडिडेट मुस्लिम समुदाय से दिए आपकी बात। अच्छा, आपकी बार दो है। पिछली बार 3 कैंडिडेट मुस्लिम समुदाय से। अच्छा, पिछली बार 3 थे और इस बार मुस्लिम समुदाय से 2 कैंडिडेट है। आपकी बार पर्टिकुलर पंजाबी समुदाय से कैंडिडेट ज्यादा आए। पिछली बार जैसे 9 कैंडिडेट उन्होंने पंजाबी समुदाय के मैदान में उतारे थे भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार 10 कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। ओबीसी की हम बात करें, ओबीसी में जैसे पिछली बार 19 कैंडिडेट थे, अब की बार 21 है, तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि हम जो नैरेटिव अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने तय किया वो जाट और नॉन जाट का नैरेटिव सेट किया है, और वो कहाँ तक उसमें सफल हो पाएगी। और अभी तो कांग्रेस पार्टी की सूची है जो अभी कुछ देर के बाद मुझे लगता है, हाँ, कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़ा इस बार फूक फूक के कदम रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो पहले इनकी रणनीति को समझ रही है, उसके बाद वो अपनी जो लिस्ट है वो जारी कर रही है, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी सोशल इंजीनियरिंग सेट करके जो टिकटों का वितरण है ये किया है, लेकिन उस सोशल इंजीनियरिंग को समझते हुए और जो अपनी जो सोशल इंजीनियरिंग वो जो कांग्रेस पार्टी बनाएगी ये देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टिकटों के बाद जो एक सिनेरियो सामने आएगा तब हम कह सकते हैं कि चुनाव किधर जा रहा है। मतलब पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बहुत लेट अपनी जो लिस्ट है वो जारी की थी, शायद ये इस बार भी इनकी यही स्ट्रेटजी है कि जब लेट ये लिस्ट जारी करते हैं तो लोगों को बगावत करने का शायद मौका ना मिले, उन उम्मीदवारों को नॉमिनेशन भरा जाए उसके बाद जो चीजें हैं वो फिर शेप में लाई जा सकती हैं। पिछली बार कांग्रेस का टिकटों का जो उम्मीदवारों की जो सूची जारी करना, लेट जारी करना, वो कांग्रेस के हक में रहा है। बिल्कुल कांग्रेस के हक में रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने बड़ा सोच समझ के उस जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले टिकट जारी की थी, जो उम्मीदवारों की सूची जो जारी की थी, उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो अपना जातीय समीकरण बिठाया या कैंडिडेट का जो कद देखा गया उसको देख के उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने टिकट जारी की थी, और उससे उन कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ था। अभी भी कांग्रेस इसीलिए फूक फूक के कदम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और अंत तक मुझे लगता है आज देर रात तक
जो कांग्रेस की सूची है वो आने की, देखिए आज तो लिस्ट हर हाल में जारी करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ आज ही का दिन है, कल तो नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। राजेंद्र जी मैं आपको बता दूं कि दो तीन कैंडिडेट, चार पांच कैंडिडेट, चार पांच तक दोनों पार्टियों के ऐसे रह सकते हैं जो कल तक वेट जिनको करना पड़ेगा, कल भी जारी हो सकती है, कल भी लास्ट मोमेंट पे इनको कहा जाए। मैक्सिमम जो उम्मीदवारों की सूची है वो आज दोनों पार्टियां कर देंगी। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी ने तो मैक्सिमम उम्मीदवारों की, हाँ बिल्कुल कर ही दिया, तीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनकी रह गई। अच्छा इसके इधर मैं ये भी बड़ा बात करना चाहेंगे कि जो दोनों पार्टियों से जो टिकटों के वंचित रहेंगे लोग, वो जो इनेलो गठबंधन है और जसपा गठबंधन है, उनमें तो उनमें भी उन्होंने कांटेक्ट अपने संपर्क साधना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो लोग जिनको टिकट नहीं मिलती, जिन्होंने अपने एरियाज में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ग्राउंड लेवल पे काम किया है, तो डेफिनेटली वो लोग चाहेंगे कि उनको किसी दूसरी पार्टी से बेशक टिकट मिले, क्योंकि पार्टी से टिकट मिल जाना और इंडिपेंडेंट लड़ना कहीं थोड़ा सा फर्क तो इन चीजों का होता है। मैं एक आखिरी सवाल मेरा सब आपसे भी, आपने बात की जाट एंड नॉन जाट समीकरण जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, या आप सोशल इंजीनियरिंग की बात की है, क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा? क्योंकि कांग्रेस की अभी तक लास्ट लिस्ट आने वाली है, कांग्रेस ने बड़ा सोच समझ के काम किया है, तो इस सब चीजों से क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा हो सकता है? ये जब दोनों पार्टियों जो मुख्य पार्टी है उन दोनों पार्टियों की जब लिस्ट आ जाएगी, उससे तय कर पाएंगे हम कौन किस पे भारी है। बिल्कुल ठीक है, कौन किस पे भारी। हालांकि इस बार का जो चुनाव है मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन कुछ पार्टियां इसको जो जाट और नॉन जाट की, जात पात की राजनीति सेट करने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए कोशिश कर रही हैं। ये अगर जात पात की राजनीति का जो नैरेटिव है वो चल गया तो मुझे लगता है सिनेरियो कुछ और होगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। लेकिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया, जो आजकल के हालात हैं, जो 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 समस्याएं हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एंटी एमएससी की बात करेंगे, तो अगर लोगों ने उसको पहचान लिया तो डेफिनेटली मान के चलो कि कांग्रेस पार्टी को भारी फायदा होगा। पर मुझे लग रहा है भी कहीं ना कहीं चेहरे बदलने के पीछे भी जो भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति रही है कि जो एंटी इनकमबेंसी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कम हो सके वो चीजें, शायद नए चेहरों से लोगों को नई उम्मीदें हो सकती हैं, शायद कहीं ना कहीं ये भी एक कोशिश हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, भारतीय जनता। दूसरी तरफ अभी हमने बात की जातीय समीकरणों की, अगर लोकसभा चुनाव से पहले अगर हम बात करें तो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना भी कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों को शोधने की कोशिश थी, उनको साधने की कोशिश थी, जो शायद उसमें मुझे लग नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी उस समय लोकसभा चुनाव में उस हिसाब से कामयाब हो पाई है। खैर ये तो जो भी होगा, ये कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या आज का दिन आखिरी है, आज कांग्रेस की जो लिस्ट है वो आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि कल नॉमिनेशन भरने का आखिरी दिन है। जो भी होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, और इन सब जानने के लिए आप देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र जी, थैंक यू।